हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू व्लॉग्स ऑफ पीयूष फ्रॉम चेन्नई। मैं आज जाके लाइट हाउस जाने का सोच रहा हूँ। इसके लिए सोचा लाइट हाउस जाने का सोच रहा हूँ, नहीं जा रहा हूँ। तो आपको विश्वास नहीं करोगे, मैं इतने साल से यहाँ पर रह रहा हूँ मगर आके आज तक मैं लाइट हाउस गया नहीं है। सबसे ऊँची इमारत और आके वहाँ से जो भी व्यू है बीच का, समुन्द्र का, अच्छा दिखता है। वैसे आके दिखा दूंगा, बीच भी दिखा दूंगा और लाइट हाउस तो दिखाना ही। अभी मैं पहली बार जा रहा हूँ तो आपको क्यों नहीं दिखाऊंगा करके। अभी रास्ते में चलते हैं और जो भी कुछ बीच बीच में आएगा ना, बीच देखिएगा और देखिएगा वीडियो अंत तक देखिएगा, आपको मजा आएगा। चलो चलो दोस्तों, चलते हैं। रास्ते में आपको दिखा दो कैसा लगता है। अभी मस्त पार्ट आने वाला है। एक पार्ट के लिए तो सब लोग नाच पाएंगे ना यहाँ पर, कितना अच्छा लगेगा पूरा लाइट के साथ एकदम डिफेंस लाइट लगेगी। चमक कैसा लगेगा देखिए। चेस्ट टीम बैठे लोगों ने बनाया था और हमारे चेन्नई में आके स्टेट लेवल का चेसबोर्ड मैच चला था, उससे मैं आके चेसबोर्ड टीम बनाया था। अच्छा भी लग रहा है देखने में। यहाँ पर जो सही बात जितने भी ना सब जगह लाइट लगती है यहाँ पे। लाइट हाउस के बाद तो आ गया दोस्तों, आने के बाद तो यार इतनी भीड़, इतनी बड़ी लाइन भी है यार। लग रहा अंदर जाने के लिए बहुत टाइम लग जाएगा, इतनी बड़ी लाइन है। फिर भी कहीं कुछ भी हो जाए अंदर तो जाना ही है। अभी पहली बार आया हूँ लाइट हाउस, तो जाके छोड़ूंगा मैं। बहुत कम की गया चेन्नई लाइट हाउस है ना दोस्तों। टाइमिंग देख लीजिए, ये जो टाइमिंग है और टाइमिंग पे आना है, उसके पहले उसके बाद में नहीं आना है। आधा घंटे से खड़ा हूँ। अब बस इतनी भीड़ भी हो गई, देखो टाइम पीछे में और मेरे बाद आने वाले। टिकट लेते हैं, अंदर जाते हैं, कैसा लगता है करके देखते हैं लाइट हाउस। ये टिकट ले लिया है, अभी ऊपर चलते हैं। अब लिफ्ट के लिए खड़ा होना पड़ रहा है, पता नहीं यहाँ पे तो लिफ्ट है। अन्ना का चौथ में तो लिफ्ट भी नहीं था, ऊपर चढ़ के जाने में इतना पसीना आ गया था। फिर आगे ऊपर जाने का मजा अलग चला जाता है। यहाँ पे लिफ्ट है ना, उसके लिए क्या आराम से वेट करके जाओ। तो लिफ्ट में जाओ आराम से। यहाँ पर कुछ लिखा हुआ शायद मद्रास लाइट हाउस के बारे में। फर्स्ट लाइट हाउस, सेकेंड लाइट हाउस, थर्ड लाइट हाउस, फोर्थ लाइट हाउस। ओ जनरेशन क्या, कैसे लाइट हाउस चेंज हुआ 1796 से लेके आज तक 1977। ओके, अब लिफ्ट आ गया, चलते हैं। मैं पहली बार आ रहा हूँ ना, अभी तो फाड़ के दे दिया। अभी ऊपर जाके देखता हूँ कैसा लगता है मम्मी के साथ। थोड़ा सा स्टेप चढ़ना है लगा। चलो चलते हैं लाइट हाउस फाइनली। ये इतना मस्त लग रहा है दोस्तों, इतना मस्त लग रहा है। कितने दिन के बाद आया, पहली बार दिन भी नहीं, पहली बार आया था। अभी इतना अच्छा लग रहा है ऊपर आने के बाद। भीड़ भी है, ट्रैफिक जाम हो गया है यहाँ पे, तो ट्रैफिक जाम हो गया दोस्तों। अभी अंदर जाने वाला हूँ लाइट हाउस के अंदर बाहर। ओ माय गॉड, कुछ लिखा हुआ है, क्या लग रहा है भाई। जिंदगी में पहली बार फाइनली चेन्नई में, इतने साल से रह रहा हूँ भाई, बचपन से यहीं पर रह रहा हूँ मगर आज तक मैंने ऐसे कभी देखा नहीं है दोस्तों। इतना मस्त लग रहा है ऊपर से व्यू, अच्छे क्या ही बोलूं। इतना अच्छी हवा भी आ रही है, ये देखो इतनी अच्छी हवा आ रही है, मस्त आ रही है, मस्त हवा आ रही है। क्या फील ही अलग है यार, इतना साल से जाने का मन था, मुझे क्या पता कि अभी जाऊंगा करके मैं। देखिए सब
सब चीटी की तरह लग रहे हैं नीचे। नत्मा सर, नत्मा सर। यहाँ से बीच कहाँ तक देख सकते हैं, देखो दस वहां तक इतना बड़ा है, जाता है एंड नहीं है, वहां से यहाँ तक फाइनल जो एंड होता है ना, क्लोज लाइट हाउस लास्ट है, वहां से स्टार्ट होकर यहाँ तक एंड होता है, वहां तक पूरा यहाँ से पूरा दिख रहा है वहां तक। बंद होने का टाइम हो गया, अभी बोल रहे सब मुँह कीजिए मुँह कीजिए, सुबह तो नहीं आ सकता उतना धूप होता है, ये टाइम पे आएंगे ना, सुकून जो मिल रहा है यार। देखिए स्लोली आगे बढ़ रहा हूँ, अच्छा लग रहा है। आप चेन्नई में आ रहे हो तो पक्का लाइट हाउस देखे बिना मत जाना, ये अन्ना का टावर ना, इसके बाद ऊंची इमारत आके ये भी एक है, फर्स्ट यही बोला जाता है। पहली बार आया हूँ, 25 साल में पहली बार आया हूँ मुंबई में। पहली बार पसीना नहीं आया, अच्छा भी लगा ऊपर जाने में, लिफ्ट लेके आगे ऊपर छोड़ दिया, आराम से हो गया काम, देखने का मजा आने का व्यू का सब इतना अच्छा लगा। अब इतना देख लिया तो हम लोगों ने कुछ फोटो भी खींचा है, वो फोटो भी आपको लास्ट में देखने को मिल जाएगा, वीडियो के अंत में वो फोटो भी दिखा दूंगा कैसा है क्या करके, वो भी देखिएगा, इसके बाद आपको पता चल जाएगा। फोटो खींचने के लिए भी तो एक बार जाना सकते करके। देखो दोस्तों अभी तक भी इतनी भीड़ है, मतलब 5:30 को क्लोज हो जाएगा फिर भी इतनी भीड़ है। आपस बाहर ये जो पोज अच्छा लगता है यार, ऊपर जाके आ गया हूँ दोस्तों, अच्छा लगा। आपने वीडियो पूरा देख लिया तो आपको भी पता चल गया होगा कैसा लगता है क्या लगता है करके, जाके विजिट कीजिए। सनसेट व्यू, बीच इतना बड़ा, मैं बीच का भी एक वीडियो बनाने वाला हूँ, और सुबह के टाइम पे एक स्पेशल है वो जगह, बीच में आके स्पेशल है वो जगह पे जाके बनाने वाला हूँ, और इसलिए जल्दी से जाके कर दिया सब्सक्राइब लाइक शेयर, ये वीडियो पसंद आए तो। और बहुत जल्द मिलूंगा आपको अगले व्लॉग के साथ, तब तक भी आपकी टाटा बाय बाय।